गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 जो है उसको आज हम समझेंगे। इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 को जब पढ़ा था फुटप्रिंट विदाउट फीट में, ग्रिफिन नाम का एक लॉलेस साइंटिस्ट रहता है जो क्या एक ऐसा फार्मूला डेवलप कर लेता है जिससे कि जो बॉडी होती है वो कैसी हो जाती है, इसकी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है और वो इनविजिबल हो जाता है। इस इनविजिबलनेस के कारण वो क्या करता है, बहुत सी गलत चीज़ें करने लगता है, मतलब पैसों की चोरी करने लगता है और बहुत सारे ऐसे काम करता है, अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे अनैतिक कृत्य करता है। इसके कारण क्या होता है कि वो उसको पकड़े जाने की संभावना हो जाती है। तो फिर ग्रिफिन आगे क्या करता है उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। Able to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब यहाँ पर वो क्या करता है, वो लंदन की भीड़ भाड़ से बचने के लिए कि पकड़ा ना जाए कहीं वो, इसलिए वो क्या पकड़ लेता है, ट्रेन पकड़ लेता है। कौन से विलेज जाता है, आइपिंग विलेज में चला जाता है। विलेज ऑफ आइपिंग के एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ग्रिफिन कहाँ जाता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। और वहाँ वो जा करके 2 रूम एक लोकल इन, एक लोकल एक रेस्टोरेंट टाइप का रहता है जिसमें जो नीचे का जो बिल्डिंग रहती है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर, उसमें क्या करते हैं कॉफी शॉप रहता है, ऊपर उसका मालिक और कुछ रूम रहते हैं जो गेस्ट के लिए बने रहते हैं। तो ऐसे लोकल इन में जाकर के वहाँ पर 2 रूम बुक करता है। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब जो किसी भी अजनबी का उस ठंड के दिनों में आना कैसा रहता है, एक अनयूजल इवेंट रहता है। मतलब लोग ठंड के दिनों में लंदन और ऐसी जगह पर ठंड के दिनों में लोग ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पर थोड़ा एक स्ट्रेंज वाली बात हो जाती है। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी उस गांव में जाता है और वहाँ रुकना चाहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बात करने लगते कि अरे ये अजनबी ठंड के दिनों में आया है। इस सब के बाद में जो लैंडलॉर्ड रहता है, उस इनकी जो लैंडलॉर्ड की वाइफ रहती है, उसका नाम रहता है मिसेस हॉल। ये मिसेस हॉल है, ये उसको रूम बुक कर रही है। वो बहुत सारी एफर्ट लगाती है उसके साथ दोस्ताना व्यवहार समझाने की कि उसके साथ फ्रेंडशिप करे कि कौन आया है, कैसा है, उसके बारे में मोर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सके। लेकिन जो ग्रिफिन रहता है वो नहीं चाहता उससे ज़्यादा बात करें और उसको क्या बोलता है कि मैं यहाँ पर आई थिंक इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है, मैं सॉलिट्यूड यानी मैं अकेलापन चाहता हूँ, मैं एकांत चाहता हूँ, मुझे भीड़ भाड़ शोर शराबा बिल्कुल नहीं चाहिए इसलिए, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में आकर के मुझे डिस्टर्ब करे, और एक एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ इसलिए मेरे फेस को क्या हो गया, बहुत सारा नुकसान हुआ है जिस कारण से मैंने ये इस प्रकार से बैंडेजेस वगैरह बांधी हुई है। ग्रिफिन का ये सोचना था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए कि वो इस तरह से पूरा जो उसने चेंज किया अपना गेटअप वो क्यों है, तो उसको बता देता है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब यहाँ पर जैसे मिसेज हॉल को ये पता चल जाता है कि ये कैसा है, कि वैज्ञानिक है थोड़ा लक्चरा टाइप का, और उसको और वो जो ग्रिफिन रहता है वो पूरा जो पैसा कैश रहता है वो पूरा उसको एडवांस में पे कर देता है। तो इस कारण मिसेज हॉल भी उसका जो स्ट्रेंथ, उसका जो अजीब व्यवहार रहता है ग्रिफिन का, उसका जो बोलने का तरीका रहता है शॉर्ट टेम्पर तरीके का, उस सबको वो माफ़ कर देती है क्योंकि चलो ठीक है, इसने एडवांस पे कर दिया हमको, क्या हम इसको रूम अलॉट कर देते हैं। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ही प्रिटेंडेड हाउ
अब लेकिन देखो, चोरी किए हुए पैसे बहुत ज्यादा दिन तो चलते नहीं है, तो बहुत दिन तक जितना ग्रिफिन के पास कैश था, जितना पैसा था, उसने सारा यूज कर लिया। अब उसके पास पैसा नहीं बचा। लेकिन क्या है, अभी तो ग्रिफिन को पैसे चाहिए ना, कितने दिन वो वहां रहेगा बिना पैसे के, तो उसको कैश की जरूरत थी। तो उसने प्रिटेंडेड यानी दिखावा किया। क्या दिखावा किया? उसने बोला, अरे मेरे पास अभी कैश तो नहीं है, लेकिन मेरा चेक आने वाला है और मेरा चेक कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको कभी भी पे कर सकता हूँ। ऐसा करके ग्रिफिन ने प्रेजेंट सिचुएशन से बचने की पूरी कोशिश की। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द क्लिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब क्या होता है, कुछ समय बाद ही एक क्यूरियस एक ऐसी घटना होती है वहां पर कि सुबह सुबह क्लर्जीमैन है ना, प्रीस्ट जो पुजारी जो चर्च का रहता है और उसकी वाइफ, दोनों सुबह एक विशेष प्रकार की आवाज सुनकर के जाग जाते हैं। क्या सुनते हैं वो? वो नीचे देख अपने नीचे वाले घर के निचले वाले हिस्से में देखते हैं कि जो क्लर्जीमैन जो प्रीस्ट रहता है उसके डेस्क से क्या पैसे के निकालने की आवाज आ रही है, कुछ प्रकार का शोरगुल हो रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब clergyman जो उसकी वाइफ बिना कोई हल्ला गुल्ला, क्योंकि जैसे इसको पता चलता है उसके घर में हो सकता है कोई चोर ना घुसा हो, तो वो चुपचाप से अपने हाथ में पोकर पकड़ता। पोकर क्या? पोकर एक ऐसी रॉड होती है जिस पर क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है। और ये पोकर रॉड किस चीज के लिए यूज होती है? जो फायर प्लेस है, जैसे इंग्लैंड में से ठंड के दिनों में फायर प्लेस बनाए जाते हैं, तो वहां पर वो लकड़ी और अंगारों को ऊपर नीचे करने के लिए जो रॉड का यूज करते हैं उसको पोकर कहा जाता है। तो वो पोकर अपने हाथ में लेकर के क्या करता है, फ्लंग ओपन द डोर, तेजी से दरवाजे को खोलता है और बोलता है, सरेंडर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अब देखिए आगे क्या होता है बेटा। Then to this amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब क्या होता है, जैसे ही उसकी सोच रहती है क्लर्जीमैन की कि एक चोर घुसा होगा, मैं उसको पोकर से मार के अलग कर दूंगा, ऐसा वैसा, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो उसको ये अनुभव होता है कि जो कमरा था वो कैसा था, पूरा खाली था। वो और उसकी जो पत्नी रहती है वो क्या करती है, खोजती है। किसको खोजती है? कि आवाज़ आ रही थी तो कोई घुसा ना हो, तो वहाँ पर डेस्क के नीचे देखती है, कर्टन से यानी पर्दों के पीछे देखती है, इवन अब तो चिमनी जो चिमनी रहती है उसके ऊपर तरफ भी देखती है कि कहीं कोई घुसा तो नहीं, कोई छुपा तो नहीं है। देयर वाज़ नो साइन ऑफ एनीबॉडी, लेकिन उनको वहाँ किसी भी व्यक्ति के होने का कोई निशान प्राप्त नहीं होता। लेकिन हाँ, जो डेस्क है उसके रूम की टेबल की वो खुली हुई थी और उसमें जो घर के पैसे रखे हुए थे वो कैसे थे, मिसिंग थे। यानी वहाँ पे कोई नहीं होने के बाद भी डेस्क खुली हुई थी और उसमें से कुछ पैसे जो उनके घर के थे वो वहाँ से निकल चुके थे, वहाँ पर पैसे नहीं थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब जब कोई दिख नहीं रहा, अब उस रूम के अंदर उसके बाद भी एक ऐसी अनप्लेजेंट हैपनिंग हो गई, तो वो जो प्रीस्ट रहता है, जो क्लर्जीमैन रहता है, वो पूरे दिन भर परेशान रहता और कहता, अरे ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर हो गई, एक अचंभित कर देने वाली बात हो गई, पूरा दिन भर वो यही रहता रहता। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर ऑफ दैट मॉर्निंग। लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर नहीं रहता, क्योंकि जो मिसेज हॉल का जो फर्नीचर भी रहता है ना, वो भी कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि अस्त व्यस्त दिखाई देता है। वो कैसे? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप एवरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज क्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। वो क्या बोलती? अब क्या होता है, क्लर्जीमैन के यहाँ पैसों की चोरी हो जाती है, लेकिन जहाँ पर ग्रिफिन रहता है वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है मालिक और उसकी पत्नी,
दोनों जब जल्दी उठ के देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं कि जो ग्रिफिन यानी जो साइंटिस्ट का जो दरवाजा था उसके रूम का, वो खुला हुआ था। जनरली क्या होता है, ये हमेशा बंद रहता है और लॉक्ड रहता है, और अगर कोई भी ग्रिफिन को डिस्टर्ब करता है या कुछ उससे ओपन करने की कोशिश करता है उसके दरवाजे को या उसके रूम में जाने की कोशिश करता है, तो वो बहुत गुस्सा होने लगता है उसको। लेकिन उन लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं कि आज तो इसके रूम का दरवाजा कैसे खुला हुआ है। The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time and stranger still. The clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि वो साइंटिस्ट तो किसी को अपने रूम में घुसने ही नहीं देता था, बात ही नहीं करने देता था, तो उन लोग को एक अच्छा मौका मिल जाता है। पीप डाना वो झांक करके देखते हैं कि चलो इसके रूम के अंदर झांक के अपन देखते हैं। पूरे रूम के अंदर जब जाते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो हम इसके यहाँ जा करके, कोई नहीं दिख रहा, वो हम जाके इसके रूम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खोज परख करते हैं कि आखिर ये इतना स्ट्रेंजर टाइप का क्यों है। तो देखते हैं कि जो बेड क्लोथ्स, जो अपन बेड पर पलंग के ऊपर जो बेडशीट बिछाते हैं, वो कैसी थी, कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडी थी। इसका मतलब ये था कि वो जो साइंटिस्ट था उसका सो रहा था वो बहुत पहले उठ चुका है, नहीं तो उसकी वार्म से क्या रहता, वो कपड़े जो चादर थी वो कैसी गर्म रहना चाहिए थी। तो वो ये सोचते कि ये बहुत पहले का उठ चुका है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल। और इसके बाद भी बहुत अजीब घटना क्या होती है कि द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, वो कपड़े और वो बैंडेज जो अपने फेस को वो कवर करता है, ग्रिफिन के जो कपड़े और बैंडेजेस रहती है वो भी उस रूम में पड़े हुए रहते हैं। तो उनके मन में क्या होता है, एक अजीब प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर ग्रिफिन गया तो कहाँ गया और उसके कपड़े और बैंडेजेस ऐसी पड़ी हुई क्यों है रूम। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, that hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. क्या होता है, अचानक से जैसे ही मिस्टर एंड मिसिज हॉल उस रूम में जाके उस इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, तभी मिसिज हॉल के कान के पास स्निफ का मतलब होता है तेजी से किसी चीज़ को सूंघने की जो आवाज़ होती है ना, ब्रीद इन करने की आवाज़, इस प्रकार से ऐसी वाली आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। और वो देखती है कि नहीं, वहाँ पर जो भी चीज़ें थी, बेड पोस्ट यानी जो पलंग के चारों तरफ वो चार लकड़ी राउंडेड लगी रहती है जिसमें नेट लगाते हैं, मॉस्किटो नेट लगाते हैं, वो वाला जो बेड पोस्ट है वो हिलने लगता है, और वहाँ पर एक जो हेड रखा हुआ होता है वो हेड आकर के उसके फेस पर लगता है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अराइव स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट। और अचानक से ही उसके रूम की जो चेयर रखी रहती है वो एकदम से उड़ने लगती है, उठने लगती है ऊपर, और वो ला करके मिसेज हॉल के पैर के जस्ट बाजू में आकर के लगती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली जो चेयर रहती है, ये अजीब सा जो बिहेव करने लगती है, वो चेयर उन दोनों को ग्रिफिन के रूम से बाहर कर देती है और धड़ाक से दरवाजा बंद करने की आवाज़ आ जाती है। मतलब मिस्टर और मिसेज हॉल अचानक से उस रूम के बाहर फेंक दिए जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। अब मिसेज हॉल जो रहती है वो ये घटना को देखे, एक अजीब टाइप की घटना को देखे बहुत डर जाती है, और हेस्ट्रिक्स मतलब होता है, हेस्ट्रिक्स का मतलब होता है इमोशनल होकर के अपना बैलेंस खोते हुए वो चेयर से लुढ़कते स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बचती हैं। शी वॉज कन्विंस दैट, वो उनको ये मतलब हो जाता है कि नहीं, ये जो रूम है इसके अंदर कोई घोस्ट या कोई आत्मा घुस चुकी है, और जो स्ट्रेंजर, ये जो ग्रिफिन है, ये जो स्ट्रेंजर है, यही इसको लाने का कारण है, और जो आत्मा है वो इस फर्नीचर के अंदर भी प्रवेश कर चुकी है। मतलब वो इतना ज़्यादा डर जाती है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी वोंट,
to think it should rise up against me now. अब वो सोचती रहती है कि ये जो चेयर जो उठ के मुझे चोट कर रही थी, ये चेयर पे तो मेरी माँ बैठा करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे को गुस्साने लगी है या मुझे कुछ डराने धमकाने का काम कर रही थी. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब जो फीलिंग आती है, अब ये सारी बातें गांव वगैरह में क्या होता है, बातें बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं. ये सारी बातें जाती हैं कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई और जो मिसेज हॉल के घर के अंदर कोई जादू का प्रवेश हो गया है, कोई विचक्राफ्ट किसी जादूगरनी ने जादू कर दिया है. लेकिन ये सब बातें उस समय ज़्यादा दिक्कत क्लर्जीमैन से जब बात होती है, सबका जो शक जाता है वो किस पर जाता है गाँव में, उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर, वो अजीब से दिखने वाले वैज्ञानिक यानी ग्रिफिन के ऊपर जाता है कि पक्का यही वो सस्पिशियस है जिसने ये सारी चीज़ें इस गांव में करवाई हैं. तो लोगों को पूरा शक चला जाता है कि चलो अब हम इसको क्या करेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे. ये सारा जो सस्पेक्ट जो संदेह रहता है वो और ज़्यादा बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि ग्रिफिन क्या करता है, उसके बाद क्लर्जीमैन के चोरी करने के बाद रेडी कैश लाके मिसेज हॉल को देता है. तब वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती कि अभी तो इसके पास पैसे नहीं थे और एकदम से इसके पास पैसे कहाँ से आए. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. अब इसके लिए क्या करते हैं, जो गांव की जो पुलिस रहती है उसको चुपचाप तरीके से बुलाया जाता है और मिसेज हॉल कॉन्स्टेबल का आने का वेट करें, इसके पहले ही वो वहां पर पहुंच जाती हैं ग्रिफिन के रूम में और वहां जाकर के देखती हैं कि जो बेडरूम अभी खाली था वहां पर ये कैसे आ गया, ग्रिफिन वापस कैसे आ गया. तो मिसेज हॉल कहती है, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब बोलती है मिसेज हॉल, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर की सीढ़ियों फर्नीचर के साथ क्या कर रहे हो और मुझे तुम ये भी बताओ कि तुम इस लॉक्ड रूम के अंदर, लॉक्ड और खाली रूम के अंदर कैसे आ गए. मुझे इन सब बातों की जानकारी तुमसे चाहिए. ऐसा कौन बोलता है, मिसेज हॉल बोलती है ग्रिफिन से. अब इसका एंड बहुत मजेदार होने वाला है बच्चों. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. जो साइंटिस्ट रहता है वो शॉर्ट टेम्पर यानी बहुत जल्दी क्रोध करने वाला रहता है. जल्दी जल्दी किसी किसी को गुस्सा आ जाता है ना, उसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर, क्विक टेम्पर. तो वो बहुत क्विक टेम्पर रहता है, उसको जल्दी से गुस्सा आता है और वो क्रोधित होकर के बोलता है, तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. चिल्लाते हुए बोलता, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. अचानक से वो क्या करता है, अपनी बैंडेजेस निकाल के फेंकने लगता है, अपने यहाँ पे विस्कर जो साइड विस्कर लगाए रहते हैं उनको फेंक देता है, अपने गॉगल्स को फेंक देता है, स्पेक्टिकल्स को फेंक देता है और वो जो नकली नाक रहती उसको भी फेंक देता है. It took him only a minute to do this. और एक मिनट के भीतर ये सारा काम कर देता है. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब वो जितने बार में वो डरे हुए लोग रहते हैं वो सब उसको देखते हैं, कहते अरे बाप रे बिना सिर का आदमी दिख रहा है, क्योंकि वो इनविजिबल हो जाता है इतना पार्ट तो. Mr. Jeffers, the constable now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. Mr. Jeffers, जो कि constable रहते हैं, वो अभी भी आए रहते हैं और वो देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जो कि विदाउट हेड, जिसका सिर नहीं. लेकिन मिस्टर जेफर्स जो अपनी ड्यूटीफुल रहते हैं वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी मिस नहीं करते हैं. उनके पास मजिस्ट्रेट का वारंट भी रहता है कि जिसमें लिखा रहता है कि ये
जब व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो वो सोचता मुझे इससे क्या मतलब कि उसका सिर है या सिर नहीं है, मुझे तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने से मतलब है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब यहाँ पर ये सारा जो है ये बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है कि पुलिसमैन कोशिश करता है इस ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की जो पूरे समय में धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। पहले उसका हेड इनविजिबल होता है, देन आफ्टर धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक के बाद एक कपड़े ग्रिफिन उतारता जाता है वो पूरा इनविजिबल जैसा होने लगता है। फाइनली अ शॉट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी। अब क्या होता है लास्ट में ग्रिफिन अपनी शर्ट उतार के जैसे ही फेंकता है वो पूरा कम्प्लीटली क्या हो जाता है इनविजिबल हो जाता है और वो पुलिसमैन रहता उसको बहुत दिक्कत जाती है कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अब कुछ लोग और कोशिश करते हैं कि उसको ग्रिफिन को इनविजिबल मैन को पकड़े लेकिन सबके चेहरों पे जोरदार घूंसे पड़ते रहते हैं, उनको पिटाई होती रहती है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको कहाँ से उनको पिटाई लग रही, कहाँ से मारा जा रहा, लेकिन उनको पिटाई होती रहती है। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अब लास्ट वीडियो तो जो जेफर्स रहते हैं ना वो अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है नीचे क्योंकि उसको इतनी पिटाई पड़ चुकी रहती है, जो कि किसने मारा रहता है अनसीन साइंटिस्ट, जो इनविजिबल था ग्रिफिन उसने उसको खूब पीटा होता। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। चारों ओर से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी, बहुत परेशान सी और चिल्लाती हुई आवाज आ रही थी, होल्ड हिम पकड़ो उसको पकड़ो उसको। बट दिस वॉज ईजियर सेट दैट डन। अब ये यहाँ पर एडम्स है ईजियर सेट दैट डन का मतलब करने से कहना ज्यादा सरल होता है, यानी कहना ज्यादा सरल है और करना कठिन होता है। तो सेम चीज यहाँ भी थी कि कहना सरल था कि पकड़ो उसे लेकिन करना बहुत कठिन था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और अब ग्रिफिन ने अपने आप को पूरी तरह से फिर से आजाद कर लिया था, कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ है और कैसे उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस